गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन सब्जेक्ट मैथ। टुडेज टॉपिक इज स्किप काउंटिंग बाय फोर स्किप। अभी तक आपने सीखा टू स्किप करना, थ्री स्किप करना, अभी आपको फोर स्किप करना। बिगिन फ्रॉम जीरो, अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, वी टेक नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 1 से लेके 30 तक। 1 to 30 क्या लिखना है, काउंटिंग नंबर्स लेने हैं और आपको हर फोर्थ नंबर को सर्कल करना है। जैसे यहाँ से अगर शुरू करोगे जीरो से, तब 1 2 3 4 फोर्थ नंबर को सर्कल किया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 फोर्थ नंबर आ रहा है ना, उसको सर्कल करना है। फिर यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4, इस तरह देख रहे हो कि हर फोर्थ नंबर को सर्कल कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और सर्कल करेंगे, फिर यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आप देख रहे हो हर फोर्थ नंबर को सर्किल करना है। इसका मतलब ये हुआ टू स्किप काउंट में क्या करते थे हम, वन नंबर को छोड़ के जंप करते थे। टू स्किप करने पर क्या करते थे, बीच में एक नंबर को छोड़कर जंप करते थे। टू स्किप में हम लोग क्या करते थे, टू नंबर्स को छोड़ के जंप करते थे। इस तरह से जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, अब हम लोग को क्या करना है, तीन नंबर छोड़ना है। थ्री स्किप करना, 1 2 3 1 2 3, ये तीन नंबर को छोड़ के फोर्थ को सर्कल करना है। 1 2 3, ये थ्री नंबर को छोड़ के फोर्थ को सर्कल करना है। ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो, ये मैंने सर्कल बनाया है 4 4 4, सब जगह इक्वल ली है 4 4 4। अब उसको हम क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4। क्या करना है, 4 को लिखना है लास्ट वाले को, फोर्थ नंबर को, और 1 2 3 है इसको कट कर देना है, ये नंबर को नहीं लिखना है। इसी तरह 4 के बाद क्या होगा, 5 6 7 8, तो क्या करेंगे 8 को लास्ट वाले फोर्थ नंबर को यहाँ लिखेंगे और बाकी इसके बिफोर जो 3 नंबर्स हैं उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कट कर देंगे। इसी तरह 8 यहाँ हुआ, फिर 9 10 11 12, तो यहाँ 12 लास्ट नंबर को, फोर्थ नंबर को लिखें, 1 2 3 फोर्थ नंबर आ रहा है ना, फोर्थ, यहाँ 12 को लिखेंगे और उसके पहले 9 10 11 है उसको नहीं लिखना है। फिर 12 के बाद क्या होता है, 13 14 15 16, तो 16 को 1 2 3 फोर्थ नंबर है ना, इसको लिखना है। अब बाकी इसके पहले 13 14 15 को नहीं लिखना है। इस तरह से आप देख सकते हो हर लास्ट वाले नंबर को लिखना है, उसके पहले 3 नंबर से उसको क्या करना है, कट कर देना, उसको नहीं लिखना है। इस तरह से तुम लोग समझ सकते हो। उसके बाद देखो ऐड करके हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर मान लो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो में अगर 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 4 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। जैसे कि 4 पे यहाँ आए, फिर 4 हमको आगे जाना है, 4 नंबर्स करना है, तो 1 2 3 4, तो 4 ऐड करेंगे, 4 4 8 हो गया ना, आगे ना 8 पे। उसके बाद फिर 8 में 4 करेंगे, 1 2 3 4, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। फिर 12 और 4 16 16 4 20 20 4 20 plus 4 24 24 plus 4 28 28 plus 4 32। इस तरह देखो सब जगह फोर्थ आगे बढ़ना है, फोर्थ नंबर आगे बढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग काउंटिंग 1 से 100 काउंटिंग लिख के आपको क्या करना है, इस तरह से हर फोर्थ नंबर को सर्किल करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह फोर्थ नंबर को सर्किल करना है, 3 नंबर छोड़ के आपको चौथे को सर्कल करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।